नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से, जहां विक्रमगंज प्रखंड क्षेत्र के थाना कांड संख्या 26/22 पास्को एक्ट का मुख्य आरोपी को पुलिस ने 22 जनवरी शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोरोना पंचायत निवासी 25 वर्षीय सोनू कुमार, जो विगत दिन 14 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे गाँव की ही एक नाबालिग लड़की को जबरन अपना हवस का शिकार बना बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दे फरार हो गया था। इस घटना बाद पीड़ित परिवार ने 15 जनवरी को स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस घटना मामले में आरोपी सोनू और उसके पिता जयराम सेठ को पुलिस ने 21 जनवरी को विक्रमगंज SDPO शशि भूषण सिंह व थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने पुलिस बल साथ 21 जनवरी को स्थानीय शहर के सासाराम रोड से देर शाम त्वरित कार्यवाही करते हुए पिता व पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जबकि इस संबंध में अनुमंडल SDPO शशि भूषण सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से क्या कहा, खबर के साथ देखें पूरी रिपोर्ट। मौके पर SI कुसुम केसरी, जयराम शुक्ला, पूजा कुमारी, खुशी राज, संतोष कुमार, प्रियंका कुमारी सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। सर्कल संध्या में पिता और पुत्र की गिरफ्तारी हुई, क्या मामला? दिनांक 15/22 की रात्रि में ग्राम मोरौना की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें उसके दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिसने इस घटना को किया था। और इसकी गिरफ्तारी के लिए घटना के तिथि से ही प्रशिक्षु अवर निरीक्षक खुशी राज जो है और विक्रमगंज थाने के सब इंस्पेक्टर कुसुम कुमार केसरी, इन दोनों के द्वारा काफी प्रयास किया गया था, लेकिन ये लोग फरार चल रहे थे। फिर DIU डेहरी से इनका लोकेशन ट्रेस करते हुए और इनको गिरफ्तार किया गया और त्वरित कार्रवाई की गई। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षु और निरीक्षक खुशी राज के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है कि इनकी गिरफ्तारी हो गई, इसलिए इनको पुरस्कृत करने के लिए वरीय पदाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और अनुशंसा की जाएगी। रोहतास से रवि प्रकाश की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।